आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पंजाब में मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने की मतदाताओं से वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने जालौन में किया मतदान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आज कई कार्यक्रम, जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भरी हुंकार, बोली धर्म और जाति की बात करने वाले नेताओं को पहचानिए। पीएम मोदी उन्नाव में करेंगे चुनावी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के समर्थन में जनसभा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सैनिक कृषि मैदान में करेंगे जनसभा, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी होंगे शामिल। शहर के मतदान केंद्रों पर प्रशासन के दावे हुए फेल, बैसाखी के सहारे वोट डालते दिखे दिव्यांग मतदाता। फिरोजाबाद में मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों पर लगे आरोप, एक तरफा वोट डालने का लगाया आरोप। कानपुर देहात में डीएम और एसपी ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण, निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव का दिलाया भरोसा। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज करेंगे दौरा, उन्नाव सदर के जीआईसी मैदान में करेंगे जनसभा। हमीरपुर के ग्रामीणों में दिखा रोष, ईवीएम खराब होने से मतदान हुआ प्रभावित। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ सैफई पहुंचकर डाला यूपी चुनाव में वोट, भाजपा पर साधा निशाना। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और कासगंज में लोकतंत्र का पर्व, मतदाताओं में दिखा उत्साह। चुनाव प्रचार पर लगी बंदिशें अब पूरी तरह से हो सकती है खत्म, राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट। मैनपुरी में सपा भाजपा कार्यकर्ताओं में विवाद, फायरिंग की सूचना पर दौड़ी पुलिस। क्यूआर कोड स्कैन पर परखा जाएगा सैनिकों का वोट, 5501 सैनिकों को भेजे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट। पीलीभीत में स्पष्ट नहीं हो रही चुनावी लहर, सिख किसानों को छोड़कर मौन है अन्य मतदाता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने नहीं गए तेजस्वी यादव, भाजपा ने राजद नेता पर बोला हमला। फिरोजाबाद में शादी के बाद ससुराल जाने से पहले दुल्हन ने किया मतदान। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का दावा, हमें 80 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, मृतक अजीत सिंह की पत्नी के पुत्र को संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने किया तलब। देवरिया में प्रत्याशियों का जनसंपर्क जोरों पर, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर। औरैया में तीसरे चरण का मतदान जारी, युवाओं और बुजुर्गों में मतदान के प्रति दिखा उत्साह।
बनारस में बिरादरी के वोटों का बिखराव रोकने में जुटी चुनावी रणनीतिकार, 8 विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें होंगी साफ। यूपी की तुलना में पंजाब में बेहद धीमी वोटिंग, दोनों राज्यों में कई जगह खराब हुई ईवीएम। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।